सो बेस्ट बेस वाले नेक बैंड्स ₹2000 के नीचे, जल्दी से सारे नेक बैंड्स बताता हूँ एंड बेस्ट बैंग लिंक्स एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन के नीचे। देखो मैं आपको बहुत सारे नेक बैंड्स बता के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपली आपको बताने वाला हूँ बेस के लिए 3 बेस्ट नेक बैंड्स जो आप ₹2000 में खरीद सकते हो। सबसे पहले हैं हमारे चहीते बोट रॉकर्स 330 प्रो। बेस बहुत तगड़ा है, ऑब्वियसली इसी वजह से हमारी लिस्ट में है। बैटरी उससे भी ज्यादा तगड़ी है, मतलब 60 आवर्स तक की प्लेबैक मिल जाती है, दैट टू सिंगल चार्ज में। एंड फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, IPX5 है, 10mm के ड्राइवर्स हैं और सबसे बढ़िया चीज़ डुअल पेयरिंग है। मींस एक साथ दो डिवाइसेस में ये कनेक्ट हो जाएंगे एंड आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप स्विच हो जाते हैं। मतलब सपोज़ आप लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों से कनेक्टेड हो एंड लैपटॉप में आप काम कर रहे हो और लैपटॉप से ही कनेक्टेड हो अभी, तो जैसे आपके फ़ोन पे मान लो एक कॉल आती है, अपने आप ये स्विच कर जाएगा मोबाइल फ़ोन पे, आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद से। सो ये चीज़ आपके यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस करती है एंड ट्रस्ट मी, अभी मैं वीडियो में बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा, जब आप डे टू डे लाइफ में इस फीचर को यूज़ करोगे ना, आपको तब मालूम चलेगा कि कितना ज़्यादा हैसल फ्री एक्सपीरियंस देगा आपको। और हाँ, कॉलिंग बीन में मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगी, क्योंकि जो माइक है वो मुंह के पास वाले डॉक में, जिसकी वजह से आपकी आवाज़ काफ़ी क्लियरली दूसरे इंसान को पहुंचती है। बाय द वे, जितने भी नेकबैंड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो के एंड में सभी की कॉल रिकॉर्डिंग वाली ऑडियो आपको सुना दूंगा, सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, डू लाइक डू सब्सक्राइब, इट हेल्प्स मी अलॉट, थैंक यू। सो 330 प्रो मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल नेकबैंड लगे एंड यही बोलूंगा, इनमें बेस्ट बैटरी बैकअप है, मतलब 60 आवर्स तक की बैटरी बैकअप ह्यूमंगस होती है, आप चार्ज करना भूल जाओगे बेसिकली। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे नेकबैंड के बारे में, दीज आर OnePlus Bullet Z2। एंड हाँ, एक चीज़, ये जो लिस्ट है रैंक वाइज नहीं है, रैंडम लिस्ट है। सो सीधी सी बात है, ये बेस बहुत ही ज़्यादा तगड़ी प्रोवाइड करते हैं एंड ऑनेस्टली इसकी बेस की क्वालिटी 330 प्रो से बेटर है। जो प्रो है, मतलब 330 प्रो, उनमें बेस ज़्यादा बड़ा है बट इनमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छी, ये ज़्यादा थंप प्रोवाइड करते हैं जो Z2 है हमारे, तो ये बोलूँगा बेस की क्वालिटी इनमें ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। और बेस के साथ साथ इसकी फास्ट चार्जिंग भी हल्की सी बेटर लगी मुझे दैन 330 प्रो। ऐसा क्यों? मान लो Z2 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाते हैं, जो 330 प्रो हैं वो 45 मिनट्स में फुल चार्ज होता है, तो हार्डली 10 से 15 मिनट का फर्क है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं। लेकिन जो ये Z2 हैं, इनमें आपको डुअल पेयरिंग नहीं मिलती। बहुत लोग बोलते हैं नहीं, Z2 में डुअल पेयरिंग है, डुअल पेयरिंग है, वो Z2 TWS हैं, मैं नेकबैंड की बात कर रहा हूँ। तो ध्यान जरूर रखना, नेकबैंड जो Z2 आते हैं, बुलेट Z2, उनमें डुअल पेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। लेकिन इनमें जो कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बहुत लोग पूछते हो बाइक चलाते टाइम हमको कौन से नेकबैंड यूज़ करने चाहिए कॉलिंग के लिए, इनको आप यूज़ कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड नॉइस पिक करेंगे बट आपकी आवाज़ दूसरे इंसान तक क्लियरली पहुँचती है। सो इन नेकबैंड को आप कॉलिंग के लिए भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। 330 प्रो जो है वो भी कॉलिंग के लिए अच्छे हैं बट ये स्लाइटली मुझे बेटर लगे। बाय द वे, इनमें एक चीज़ और है जो आपके यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस करती है, दैट इज मैग्नेटिक ऑन ऑफ। मतलब जैसे ही दो ईयरबड को आप चिपकाओगे आपस में तो वो ऑफ हो जाते हैं, जैसे ही अलग करोगे तो ऑन हो जाते हैं। ये फीचर 330 प्रो में नहीं है। सो IP55 की रेटिंग है, 12.4mm के ड्राइवर्स हैं एंड 30 आवर्स का टोटल प्लेबैक मिलता है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी नेकबैंड की तरफ एंड अगर आपका अभी तक कोई भी सवाल या सुझाव है कॉमेंट जरूर कर लेना, आपके कॉमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा। सो तीसरे नेकबैंड है बोट रॉकर्स 330ANC/333ANC। बहुत लोग अभी नीचे जाके कॉमेंट करेंगे 330ANC लें या 333ANC लें। देखो दोनों की ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम है, सिर्फ केबल का फर्क है। जो वायर है 333ANC का वो ब्रेडेड है और जो 330ANC हैं वो सिलिकन वायर के साथ आते हैं। सो इनमें बेस अच्छा है जब नॉर्मल मोड में यूज़ करते हो, लेकिन इनमें एक मोड है विच इज़ कॉल्ड क्रिस्टल बायोनिक मोड एंड ट्रस्ट मी, क्रिस्टल बायोनिक मोड में ये जो बेस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट बेस अंडर 2000 रुपीज़। मतलब इनसे ज़्यादा तगड़ा बेस मुझे तो नहीं लगता और किसी भी नेकबैंड में आता है 2000 से नीचे क्रिस्टल बायोनिक मोड में। नॉर्मल मोड में इनका बेस नॉर्मल है, मतलब जैसे बाकी बोट के जो नेकबैंड्स हैं वो साउंड करते हैं वैसे ये भी साउंड करते हैं, बट क्रिस्टल बायोनिक मोड में ट्रस्ट मी बेस की क्वालिटी टॉप नॉच हो जाती है। और क्या खास बात है इनमें? भाई इनमें आपको ANC मिलता है 25 dB तक का, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो कि 25 dB तक की नॉइस को कैंसिल आउट करते हैं। बहुत लोगों का डाउट रहता है कि क्या ये कॉलिंग में भी काम करते हैं? नहीं, ये जो ANC है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक लिसनिंग के टाइम पे काम करती है। ANC नहीं है, इनमें ENX टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, जो कॉलिंग के दौरान ये यूज करते हैं एंड इनमें भी कॉलिंग हो जाती है आराम से। इनमें भी डुअल पेयरिंग है, मतलब इजिली आप दो डिवाइसेस में इनको कनेक्ट कर सकते हो एंड ये ऑटोमेटिकली स्विच करते हैं, बट इनमें भी मैग्नेटिक ऑन ऑफ
नहीं है। सो 330 प्रो एंड 330 ANC या 333 ANC, इन सब में आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ नहीं मिलता है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो 24 घंटे तक का बैटरी बैकअप है नॉर्मल मोड में। ANC में यूज करोगे तो बैटरी बैकअप कम होगी, या फिर क्रिस्टल बायोनिक मोड में यूज करोगे तो भी बैटरी बैकअप कम होगी। एंड हाँ, बहुत लोग शायद ये पूछे क्या हम क्रिस्टल बायोनिक मोड और ANC दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। IPX4 की रेटिंग है, 13 mm के ड्राइवर्स हैं एंड 24 hours का प्लेबैक मिल जाता है नॉर्मल मोड में। एक चीज बताना चाहूंगा, तीनों ही नेकबैंड में आपको गेमिंग मोड नहीं मिलता है। सो अगर आपको सबसे ज्यादा तगड़ा बेस चाहिए, मतलब बेस आपको एकदम टॉप नॉच चाहिए और म्यूजिक की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, देन 330 ANC ले सकते हो। क्रिस्टल बायोनिक मोड में बहुत ही बढ़िया म्यूजिक क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको एक तगड़ा बेस और एक अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए, देन मैं बोलूंगा आप 330 प्रो लो। और अगर आपको एक तगड़ा बेस एंड बहुत ही बेहतरीन कॉलिंग चाहिए, देन आप OnePlus Bullets Z2 लो। सो दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग में अटैच कर रहा हूँ, आप सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कॉलिंग के दौरान कौन सा वाला नेकबैंड बेटर साउंड करता है। तो ये जो नेकबैंड अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, दीज आर बोट रॉकर 330 प्रो, अभी हाल ही में खरीदा था 1400 rupees में। अभी मैं अपने रूम में, बट मेरे पड़ोस में आज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे हथौड़ा वथौड़ा ठोक रहे, तो क्या तुझे अभी आवाज आ रही है? नहीं, क्लियर है सब, अच्छी आवाज है, क्लियर है। हाँ, तो अभी मैंने फैन फुल स्पीड से ऑन कर दिया एंड मैं पंखे के नीचे खड़ा हूँ, तो तुझे अभी मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? फ्रेश है मेरी आवाज या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, आ रही है अब हवा की आवाज, पंखे की आवाज, बीच में थोड़ा बहुत नॉइज है, तेरी आवाज भी थोड़ी सी मफल्ड हो गई है। एंड जब तू अभी नहीं भी बोल रहा है तब एक जो हवा वाली आवाज होती है वो आ रही है मेरे तक पहुँच रही है। बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दिया, तो अभी जो मेरी आवाज है तुझे क्लियरली सुनाई दे रही है? आर यू एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर ट्रैफिक की नॉइज ओवरपावर कर दे रही है मेरी वॉइस को? नहीं, ट्रैफिक मस्त पीछे है, 280% होगा, ट्रैफिक 20 पे। सो अभी जो मैं ईयरफोन्स यूज कर रहा हूँ फॉर कॉलिंग, दीज आर OnePlus Bullets Wireless Z2, बहुत ही छोटा नाम है, एंड अपने घर पे हूँ मैं, मतलब रूम के अंदर बैकग्राउंड में कोई आवाज वगैरह नहीं है। तो तुझे मेरी आवाज किस तरह सुनाई दे रही है? अच्छी सुनाई दे रही है, खराब सुनाई दे रही है? मस्त, क्लियर, क्रिस्प, मस्त। हेलो, हाँ, तो अभी मैंने फैन फुल स्पीड पे चला दिया, बाकी बैकग्राउंड नॉइज कुछ भी नहीं है। तो मेरी आवाज में कुछ डिस्टॉर्शन है या अभी भी आवाज क्लियर एंड क्रिस्प पहुंच रही थी? पीछे क्लियरली एक हवा की आवाज आ रही है। बैकग्राउंड में अभी ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, और अभी जो मैं बोल रहा हूँ तेरे को क्लियरली सुनाई दे रहा है या बैकग्राउंड नॉइज ओवरपावरिंग है? नहीं, मतलब पीछे है, सुनाई दे रही है, बट काफी कम है। सो अभी मैं एक नेकबैंड यूज कर रहा हूँ, दीज आर फ्रॉम बोट, ये है बोट रॉकर 330 ANC, जस्ट अभी हाल ही में रिलीज हुए हैं, ठीक है। सो अभी इंडोर कंडीशन में हूँ और बैकग्राउंड में कोई भी आवाज वगैरह कुछ नहीं, एकदम शांत एनवायरमेंट है, तो इस सिनेरियो में तुझे मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? तो अभी मैं सेम ही कंडीशन में इंडोर में शांत एनवायरनमेंट, बस मैंने फैन ऑन कर दिया, फुल स्पीड पे फैन, मैं फैन के एकदम नीचे खड़ा हूँ, तो अभी मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है तुझे? तो बैकग्राउंड में मैंने अभी ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी, ठीक है, तो अभी तुझे मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? क्या मेरी आवाज़ ऊपर है या ट्रैफिक की नॉइज मेरी आवाज़ को काट दे रही है? सो गाइज, दिस वॉज माई लिस्ट ऑफ बेस्ट नेकबैंड्स फॉर बेस अंडर 2000 rupees, एंड होप करता हूँ आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगी। कोई सवाल या सुझाव रह गया तो कॉमेंट कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अंटिल देन, ओवर एंड आउट।